Hi everyone, today in this video we discuss about the echocardiographic signs of left ventricular hypertrophy. Normal thickness of interventricular septum and posterior wall is 6 mm to 10 mm. If more than 11 to 12 mm then mild LVH, and more than 13 to 15 mm then moderate LVH, and if more than 16 mm then it called severe LVH. ये पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस यू है, इसमें इंटरवेंट्रिकल सेप्टम और पोस्टेरियर वाल की थिकनेस को मेजर करेंगे। ये थिकनेस वेंट्रिकल डायस्टोल के टाइम पे करते हैं और डायस्टोल को पहचानने के लिए इसमें देख सकते हैं माइट्रल वाल ओपन है और एरोटिक वाल क्लोज्ड है। इंटरवेंट्रिकल सेप्टम थिकनेस 15 मिलीमीटर है और पोस्टेरियर वाल की थिकनेस 12 मिलीमीटर है, जो कि एलवीएच को इंडिकेट करती है। ये एम मोड इको है जिसमें इंटरवेंट्रिकल सेप्टम और पोस्टीरियर वाल की थिकनेस को इजीली मेजर कर सकते हैं। इसके साथ में ये लेफ्ट वेंट्रिकल डायमेंशन, स्ट्रोक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन और फ्रैक्शन शॉर्टनिंग के बारे में भी बताता है। एलवीएच शॉर्ट एक्सिस में भी मेजर कर सकते हैं पेपिलरी मसल्स के लेवल पे। इसमें डिस्टेंस 12 मिलीमीटर है, जो कि एलवीएच को इंडिकेट करती है। ये अपाइकल 4 चैम्बर यू है जिसमें सेप्टम और लेटरल वाल की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। एलवीएच के कारण लेफ्ट वेंट्रिकुलर थिक हो जाती है, तो ड्यूरिंग द डायस्टोल रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉम्प्लायंस रिड्यूज हो जाती है। तो एलवीएच के मोस्ट केसेज में ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। कर्सर को माइटल वाल के लेटरल बॉर्डर पर रखते हैं और पल्स वेव डॉपलर लेते हैं, तो ई वेव और ए वेव का फ्लो पैटर्न आता है, जिसमें नॉर्मली ई वेव ग्रेटर देन ए वेव रहती है, जो कि नॉर्मल डायस्टोलिक फंक्शन है। लेकिन एलवीएच में रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता एलवीएच का कारण, जिसके कारण ई वेव छोटी हो जाती है और ए वेव बड़ी हो जाती है। ई वेव का मतलब है अर्ली डायस्टोलिक फीलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और ए वेव का मतलब है लेट डायस्टोलिक फीलिंग ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो नॉर्मली ई वेव ग्रेटर देन ए वेव होती है, लेकिन जब डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है तो उसमें ई वेव छोटी होती है और ए वेव बड़ी हो जाती है, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण ज़्यादातर फीलिंग होती है, जिसको ग्रेड 1 डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं और मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण होती है। तो इस तरह इको में अपन इजीली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को पहचान सकते हैं। थैंक्स।